জানার যেমন একটা আগ্রহ ছিল মানুষের, তেমন আবার ভয়ও ছিল যে এখানে। স্বাগতম সবাইকে বিচ্ছর রিয়াকশনে, আমরা চলে এলাম আজকে আপনাদের সঙ্গে আরেকটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য। আর আজকে আমরা একটি ইন্টারেস্টিং ভিডিও দেখতে যাচ্ছি। ভিডিওর টাইটেলটি হচ্ছে শ্রীনগর বিকাম অনলি ইন্ডিয়ান সিটি টু বি ইনক্লুডেড ইন ইউনেস্কো ক্রিয়েটিভ সিটিজ নেটওয়ার্ক লিস্ট। অনেক বড় একটা টাইটেল এবং অনেক বড় নিউজ আছে। আমার কাছে তাই মনে হচ্ছে যে এটা অনেক বড় একটা নিউজ, কারণ শ্রীনগর হচ্ছে তোমার ইউনেস্কো ক্রিয়েটিভ নেটওয়ার্ক লিস্টে চলে গেছে, সিটি ক্রিয়েটিভ সিটি একটা। তো এটা আসলে অনেক বড় একটা ব্যাপার আমার কাছে মনে হয়। যাই হোক, ভিতরে আর কি কী ইনফরমেশান আছে আমরা সেটা এখনও জানি না। আর এই ভিডিওটি আমরা নিয়েছি ইউটিউব চ্যানেল ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স থেকে। ওনাদের আরও অনেক ভিডিও কিন্তু আমরা অলরেডি করে ফেলেছি, আর ওনাদের এই ভিডিওর লিঙ্কটি আমাদের ভিডিওর নিচে দেওয়া থাকবে, চাইলে আপনারা সেখান থেকেও অরিজিনাল ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন। তো চলুন সবাই মিলে আমরা এই ক্রিয়েটিভ সিটির ভিডিওটি দেখে আসি। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूँ रशान धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ, जम्मू कश्मीर यूटी की जो कैपिटल है श्रीनगर, इसको ऐड कर लिया है यूनेस्को ने अपनी बहुत ज़्यादा स्पेशल लिस्ट में। ये है क्रिएटिव सिटी ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की लिस्ट। सिर्फ 45 सिटीज जो है दुनिया भर की, इनको यहाँ पर ऐड किया गया है। और इस साल 2021 में अकेला इंडियन शहर है जो यहाँ पर ऐड हुआ है। ओवरऑल बहुत कम शहर हैं जो इंडिया के यहाँ पर ऐड हुए हैं, टोटल नंबर 6-7 से भी कम है। मैं आपको बताऊंगा अभी उसके बारे में। मगर ये सम्मान मैटर इसलिए करता है क्योंकि यूनेस्को ये टाइटल उसी सिटी को देता है जहां पर उस सिटी की यूनिकनेस, उस सिटी की जो क्रिएटिविटी है, सरकार जिंदा रखती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको जिंदा रखती है। तो ये मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, और इससे जवाब भी मिलता है उन लोगों को जो लोग कहते हैं कि कश्मीर में प्रॉब्लम है, जेनोसाइड हो रहा है और खूब प्रोपेगेंडा करते हैं। दिस इज़ अ गुड आंसर टू दोज पीपल। और यहाँ पर आप देख पाओगे श्रीनगर के जो मेयर हैं जुनेद अजीम मट्टू, इन्होंने यहाँ पर कहा है कि श्रीनगर हैज बीन इंस्क्राइब्ड एज यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ आर्ट, द ओनली इंडियन सिटी टू मेक दैट लिस्ट। अब ये लिस्ट क्या है, बाकी कंट्रीज सिटीज हैं, एवरीथिंग हमेशा की तरह विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि रिसेंटली यूनेस्को ने पार्टनर किया है इनमें से किस कंपनी के साथ, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, भारत के रिच कल्चरल हेरिटेज को सेलिब्रेट करने के लिए। ये लोग बेसिकली बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे ऑन इंडियाज कल्चरल हेरिटेज, और यहाँ पे यूनेस्को इनका साथ देगा। इतना एक तो भालो दिख, किंतु आई डोंट नो काश होंगे कुछ डिस्कवरी या फिर गूगल। कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर समझ रहा है नेटफ्लिक्स होता पड़े वीडियो के, ऐसा होता पड़े अमेज़न में। अब यहाँ पे आप पूछोगे यूनेस्को, अच्छा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, अब इसके बारे में आपने 85 बार सुना होगा। और प्राइमरली इनकी कल्चरल हेरिटेज साइट बड़ी फेमस होती है। देखो वो जो टाइटल है वो होता है प्राचीन साइट्स के लिए, जो प्राचीन सिटीज हैं, प्राचीन साइट्स हैं, उनको मिलता है कल्चरल हेरिटेज साइट का टैग। यूनेस्को ने यहाँ पर यह सोचा कि आज के समय नए शहर बन रहे हैं, शहरों को दोबारा बिल्ड किया जा रहा है ऑल टुगेदर, और ये प्रोसेस टू बी ऑनेस्ट ज़रा मुश्किल है नहीं। आप अगर सोच कर देखो, किसी भी देश के पास आज के समय पैसा होना, रातों रात कंस्ट्रक्शन कर दो, इंजीनियर्स को बुला दो, एक शहर आपका खड़ा हो जाएगा। मगर क्या उस शहर में एक आत्मा है, क्या उस शहर में लिटरली एक सोल है, क्या आप फील कर सकते हैं कि उस शहर में यूनिकनेस है? वहाँ पे एक सर्टन टाइप ऑफ आर्ट को सेलिब्रेट किया जाता है, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो पेंटिंग हो, कोई ना कोई उसमें शहर में स्पेशल बात होनी चाहिए। तो इसी बात को सेलिब्रेट करने के लिए यूनेस्को ने बनाई थी क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की लिस्ट। ये लोग कहते हैं कि इस लिस्ट में वो डालेंगे उन शहरों को जो आर्ट और क्रिएटिविटी को प्रेफरेंस देते हैं। ऐसा नहीं है कि शहर के नाम पे फैक्ट्री बना दी, सड़कें बिल्डिंग, कुछ ना कुछ ना, एटा एटा ठीक है, एक तो भालो सिटी स्पेशल। तो टोटल आज के समय इन्होंने 295 सिटीज जो है दुनिया भर की उनको डाल रखा है इस लिस्ट में। और अभी 2021 में ये लिस्ट अपडेट करी है, बहुत से शहर इसमें ऐड किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल कतर की जो कैपिटल है दोहा, इसको ऐड किया गया है यहाँ पर डिजाइन के लिए। उसके अलावा इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता को यहाँ पर ऐड किया गया है लिटरेचर के लिए। और अकेला भारतीय शहर जिसको यहाँ पर जगह मिली है वो आपको यहाँ पर मिलेगा श्रीनगर, क्राफ्ट और फोक आर्ट के लिए ऐड किया गया है श्रीनगर को इस लिस्ट में। अब यहाँ पे आप कहोगे ये अलग अलग रीजन क्यों है ऐड करने के, कोई म्यूजिक है, कोई लिटरेचर है, ऐसे क्यों बना रखी है लिस्ट? देखो ये मैप है, अभी अपडेट हुआ नहीं है क्योंकि श्रीनगर को ये डालेंगे एक दो दिन में यहाँ पर अपडेट करेंगे। मगर ये मैप है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का, और यहाँ पे आप देख पाओगे दुनिया भर में देखो वेरियस सिटीज हैं जो अपने आप में आर्ट को प्रमोट करती है, जो अपने आप में यूनिक है वेरियस रीजन के लिए। फॉर एग्जाम्पल मुंबई को आप अगर देखो,
तो मूवीज के लिए, आई मीन वो उनका कल्चर है, ये तो जो ठीक वहाँ है पे सर। मेन अट्रैक्शन है आप कह लो वो मूवीज है, वही उस सिटी को आर्ट देती है एक तरीके से। सिमिलरली कई आपको सिटीज मिलेगी जहाँ पर जो उनका फोक आर्ट है, जो उनके क्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट जो बनाते हैं वो हैंडीक्राफ्ट, बहुत ज़्यादा यूनिक है। कई जगह है जहाँ पे गेस्ट्रोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब कि ओवरऑल जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे, जो फूड आउटलेट्स हैं वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड के हैं। तो इसी तरीके से वेरियस टैग्स के अंडर यूनेस्को ने बनाया है क्रिएटिव सिटीज़ का नेटवर्क। अब मैं यहाँ पे अगर जूम इन करूँगा तो यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया की अभी के लिए यहाँ पर गिनती की चार बांग्लादेश सिटीज एक आपको तो मिलेगी, सिटी सिटी पांचवी नेटवर्क के श्रीनगर नहीं ऐड हो है। जाएगी यहाँ पर बहुत ही जल्द। आसपास आप अगर देखो तो इस रीजन में बहुत कम सिटीज आपको मिलेंगी इस टाइप की। पाकिस्तान का शहर लाहौर, लाहौर, इसको यहाँ पे उन्होंने ऐड कर रखा है। रीजन क्या है? रीजन ये देते हैं लिटरेचर, लिटरेचर के लिए लाहौर को ऐड कर रखा है। ओके, फिर यहाँ पे आप देखोगे इंडिया की तरफ से जयपुर यहाँ जयपुर, पे ऐड हो रखा है, जो इंडियन सिटीज है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो जयपुर है, मुंबई है, चेन्नई है, उसके चेन्नई, अलावा वाराणसी को भी यहाँ पर ऐड किया ओ हुआ है। वाराणसी को यहाँ पर ऐड किया है म्यूजिक के लिए, चेन्नई और अच्छा, वाराणसी दोनों यहाँ पर है म्यूजिक म्यूजिक के के लिए, लिए। और जयपुर है क्राफ्ट्स और फोक आर्ट के लिए। और चाइना के भी आप अगर देखोगे, चाइना के एक्चुअली बहुत सारे शहर हैं, टोटल 10 से भी ऊपर शहर हैं हाँ इनके यहाँ पर। जापान के भी बहुत सारे शहर हैं यहाँ पर, 10 से कम है फिर भी नंबर में ओवरऑल। तो देखो ये एक तरीके से आप कह लो टूरिज्म को प्रमोट करने का भी तरीका होता है दुनिया भर में। বোঝা इंडियन গেছে, सिटीज তার का মানে मेंबर হচ্ছে का काफ़ी টুরিস্ট फेमस है, जो অ্যাক্টিস্ট টুরিস্ট হবে होते हैं, এটাতে। हाँ হ্যাঁ, जिनके पास ইউনেস্কো থেকে জেনুইনলি তো এই पैसा है, ধরনের আজকে সময় কাজগুলো जो করা চাহতে হয়। হैं এক্সপিরিয়েন্স करना কালচার को, वो काफ़ी बार इस नेटवर्क को देखते हैं, इसके हिसाब से प्लान करते हैं अपना ट्रैवल के, यहाँ पे हमको जाना चाहिए। काफ़ी बार जो टूर को प्रमोट करने वाली कंपनीज होती हैं वो अपने आप इन सिटीज़ को अपने टूर में डाल देती हैं, कि जब कोई भी इनके पास आएगा कि मुझे एक्सपीरियंस करना है इंडिया को, तो अपने आप कह देंगे अच्छा देखिए वहाँ पर ये शहर आते हैं, इनको हम विजिट कर सकते हैं, यहाँ का म्यूज़िक बहुत फेमस है, यहाँ का डिज़ाइन बहुत फेमस है। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका बन जाता है कंट्री के कल्चर को एक्सपीरियंस करने का। गुड, और देखो ऐसा नहीं है कि श्रीनगर यहाँ पर अपना आया है, हमने काफ़ी इस पर मेहनत करी है। काफ़ी बार हमने मेले होस्ट किए हैं श्रीनगर की जो आर्ट है इसको प्रमोट करने के लिए, दिल्ली, मुंबई और जगह कोशिश करी है कि इनके जो हैंडीक्राफ्ट हैं ये पहुँचे, ओवरऑल लोगों को रोज़गार मिले। और अब फाइनली हम देख रहे हैं कि इसका एक बहुत ही अच्छा मैं कहूँगा रिजल्ट देखने को मिला है, एज श्रीनगर इज़ नाउ इन द यूनेस्को लिस्ट। सो फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन पे कि रिसेंटली इसमें से किस संगठन ने यूनेस्को के साथ पार्टनर किया है इंडिया की रिच कल्चरल हेरिटेज को सेलिब्रेट करने के लिए। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, हमें बोलेছিলাম नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स, बहुत ही जल्द नेटफ्लिक्स आपको सीरीज इंडिया, मिलेगी बहुत सारी वीडियोस की, कारण जिसमें नेटफ्लिक्स ये इंडिया लोग एक अनेक काज करते इंडिया का जो इंडिया कल्चर है इसको सेलिब्रेट करेंगे। और ये इस तरीके से डिज़ाइन की जाएगी ताकि बच्चे भी समझ पाए कि इंडिया कितना ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, कितनी लैंग्वेजेस हैं, कितने कल्चर हैं यहाँ पर। तो रिसेंटली इसके लिए यूनेस्को और नेटफ्लिक्स ने करी है पार्टनरशिप। और তো বুঝতে ফাইনালি পেরেছো, আসলে অনেক বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট কিন্তু হ্যাঁ, এটা শ্রীনগরের জন্য আসলে এটা। অনেক বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট। আর আমার কাছে মনে হয়েছে যেটা সবাই কিন্তু কাশ্মীরের ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভীতু হয়েছে, যখন 375 মনে হয় হ্যাঁ ওনাদের এই লটা সরে গেছে আর কি, ইয়েস, তখন থেকেই কিন্তু সবাই একটু ভয়ে ছিল জায়গায় কি ঘটছে কি ঘটে, মানে সব এই জানার বিষয়গুলো একটা, নিয়ে হ্যাঁ জানার যেমন একটা আগ্রহ ছিল মানুষের, তেমন আবার একটা ভয়ও ছিল। ভয়ও ছিল যে এখানে হয়তো খারাপ কোনো কিছু ঘটছে, আর সে কারণে মানুষ ওখানে যাবে না বা যেতে পারবে না, বা তাদের যে এখন এক্সিস্টিং যে জিনিসগুলো আছে সেটা ভেঙে পড়বে যে প্রশাসনটা, সেরকম চিন্তা ভাবনা কিন্তু অনেকেই করেছিল। সেক্ষেত্রে কিন্তু ইউনেস্কো উল্টা একটা রেজাল্ট দিয়েছে তাদের জন্য, মানে পজিটিভ রেজাল্ট বলবো পজিটিভ তাদের রেজাল্ট, জন্য, ইয়েস, পজিটিভ রেজাল্ট, কারণ যাদের চিন্তাধারা ওরকম ছিল তাদের থেকে বের হয়ে এসে একটা সুন্দর পজিটিভ রেজাল্ট দিয়েছে, যেটা হচ্ছে তারা ক্রিয়েটিভ সিটির আন্ডারে কিন্তু তাদেরকে নিয়ে নিয়েছে। আর ইয়েস, এটার যে সুবিধাগুলো সেটা আমরা তো এখানে ভিডিওর মাধ্যমে বুঝতে অবশ্যই পারলাম, যে এটাতে টুরিস্ট ট্যুরিস্ট আকর্ষিত হয় বেশি, তো সেক্ষেত্রে এটা তাদের জন্য একটা ভালো উপার্জনের রাস্তাও হবে আমার কাছে মনে হয়। তবে আমাদের জন্য দুঃখের বিষয় হচ্ছে আসলে আমাদের দেশে এরকম ইউনেস্কো হ্যাঁ কর্তৃক যে রিকগনাইজ করা সিটি এরকম কিছু কিন্তু আমরা হ্যাঁ, এখনো আমরা এখনো পাইনি। পাইনি, হ্যাঁ, দেখলাম না। এরকম আসলে আমাদের কোনো একটা সিটির জন্য আসলে আমাদের কাজ করা উচিত, যে সিটিতে আমাদের হচ্ছে লিটারেচার হোক কিংবা হিস্ট্রি হোক কিংবা আমাদের গানে নিজস্ব হোক, হ্যাঁ হ্যাঁ কোনো হ্যাঁ না কোনো কালচার। দিকতে চাইলে এটা ভালো একটা জিনিস, কারণ অ্যাটলিস্ট তুমি কিন্তু ওই জিনিসটার মাধ্যমে, ওই জায়গাটার মাধ্যমে তুমি তোমার দেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে রিপ্রেজেন্ট করতে পারছ, পারবো, বা অন্যকে চেনাতে পারছো যে এই জায়গাটা একটা ভালো জায়গা, এবং ওই জায়গাটার কারণে হচ্ছে তোমার দেশটাকে কিন্তু আরো বেশি করে জানতে পারবে। অবশ্যই, তো সেক্ষেত্রে আমাদের সাথে থাকা উচিত আমি মনে করি। আর আমাদের এবং দেশের আমাদের যারা, দেশে হ্যাঁ আছেও এরকম, প্রশাসনের যারা আছেন তারা হয়তো এই দিকটাকে নজর দিবে আমার কাছে মনে হয়।
আর এখানে আমি বলবো ওনাদের জন্য ভালো সংবাদ, কারণ এখন মনে হয় ওটা 5 নম্বর বা 6 নম্বর একটা সিটি হতে যাচ্ছে যেখানে ইউনেস্কো অলরেডি রিকগনাইজ করছেন। তো আমার কাছে মনে হয় যে এই জিনিসটা একটা ভালো দিক, কারণ বাকি সিটিগুলোর মতো এই সিটিতেও কিন্তু তখন কাজের একটা ফ্লো বাড়বে এবং মানুষের ইনকাম হবে। আর যে জিনিসটা হচ্ছে যে ইউনেস্কো কিন্তু কিছুদিন পর পরে এরকম বিভিন্ন বিষয়ের উপর কিন্তু সিটি হোক কিংবা সপ্তম আশ্চর্যের বিষয়টাও কিন্তু ইউনেস্কো কর্তৃক গিয়ে আসলে রিকগনাইজ করা হয়ে থাকে। তো এরকম কাজ যে আসলে ইউনেস্কো করে থাকে, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জায়গাকে রিপ্রেজেন্ট করে থাকে, তাদের এটা একটা নিয়মিত ওয়ার্কফ্লোর মধ্যে পড়ে। আর এখানে যেটা হচ্ছে মুম্বাই সিটি যেটা বললো যে যথারীতি মুভির জন্য বিখ্যাত, এরকম আমাদের আশেপাশে কিন্তু আরো অনেক সিটি আছে, কিন্তু আমাদের এই সাউথ এশিয়ান যে জায়গাটুকু এখানে কিন্তু খুব কম সিটি আছে, এবং ইন্ডিয়ায় 4টা এবং পাকিস্তানে 1টা, কিন্তু বাকি যে দেশগুলো আমার দেশগুলো এবং হচ্ছে নেপাল আছে, ভুটান আছে কিংবা শ্রীলঙ্কা আছে, ওখানকার অনেক সিটি সম্বন্ধে আমরা জানি, ওগুলো আসলে রিকগনাইজ করা উচিত এবং গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকেও এই বিষয়ে কাজ করা উচিত এবং আমাদের পক্ষ থেকেও কাজ করা উচিত যে এই সিটিটাকে আসলে আমরা প্রমোট করতে পারি, যাতে করে আমরা আমাদের দেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। তো যাই হোক, ওভারঅল ভিডিওটি ভালোই লেগেছে আমাদের কাছে, কারণ এটা জেনে ভালো লাগছে যে ওখানকার মানুষকে মানুষ আরও ভালোভাবে চিনতে পারবে, জানতে পারবে, আবার সেখানে ট্যুরিস্ট বাড়বে। তো আশা করি আজকে আমাদের এই ভিডিও রিয়েকশনটা আপনাদের ভালো লেগেছে, আর যদি আমাদের আজকের এই ভিডিও রিয়েকশনটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি।